वेटिंग फॉर गॉडो सैमुअल बेकेट ने लिखा है, और इसके अंदर कोई प्लॉट नहीं मिलेगा. दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा. पहली बात, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है. दूसरा, इसको एब्सर्ड प्ले कहा जाता है. तीसरा, इसके अंदर निहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. और चौथा, ये एक मीनिंगलेस प्ले है जिसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है उसको डिफाइन किया गया. हम लोगों को नॉर्मली इस तरह के ड्रामास की आदत नहीं होती जिसके अंदर कोई प्लॉट ना हो, लेकिन देयर इज सम मैसेज बिहाइंड इट. आपने चार्ली चैप्लिन के का देखा होगा, ये एक्चुअली चार्ली चैप्लिन के ऊपर जो है ये फिल्म जो है वो बनाई गई थी, वेटिंग फॉर गॉडो. और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सब कुछ कॉमिक सीन्स थे, एब्सर्ड था. और इसके अंदर मतलब देयर इज नथिंग इनसाइड द ड्रामा. एक्चुअली इस ड्रामा के थ्रू एक थीम बताई जाती है कि इंसान जो है ना वो एक एमलेस जिंदगी गुजार रहा है, नो पर्पस लाइफ, एंड ही इज जस्ट वेटिंग फॉर गॉडो. वेटिंग यानी कि वो किसी ऐसे करिश्मे के इंतजार में है कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ होगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी. हमें देखें, हम एग्जाम्स के बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके तैयारी करते हैं, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है. एंड पे जाके उनको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई अचानक से कोई जादू हो जाएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी. और ये जो इस तरह की जो होप है या इस तरह का ये जो एक इंसान का तसव्वुर है वो हमेशा रहता है. और इसी तरीके से जो है एग्जाम्स हम दे के बैठते हैं और उसके बाद इंतजार पे इंतजार. मेरा डेली का मैसेज मेरे ख्याल है 5-10 स्टूडेंट्स का तो जरूर आता है कि मैम रिजल्ट कब आ. तो इंसान जो है वो आराम से बैठा रहता है और वो कहता है कि बस कुछ खुद ही से हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो नहीं बदलेगी. तो वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देंगे. जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो तो हैं चार, ठीक है. फर्स्ट एक्ट में जो है दो हैं, एस्ट्रेगोन है और वलेडमीर है. और सेकंड एक्ट के अंदर और इवन फर्स्ट एक्ट के एंड में भी आपको नजर आएंगे दो और कैरेक्टर, जो कि पोजो है और एक उसका लकी जो कि उसका सर्वेंट है. अब इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे वलेडमीर और एस्ट्रेगोन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है. एंड वो दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी भी नहीं गुजार सकते, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई एम भी नहीं है. बस वो दोनों किसी गॉडो नामी शख्स है, या वो कोई खुदा है, या वो कोई शख्सियत है, कोई पर्सनैलिटी है, उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो जब आएगा तो वो बच जाएगा, ठीक है. सेम इज द केस विद अस. हमें लगता है जैसे हम लोगों को एक उम्मीद नहीं है, हमने तो सीधे जन्नत में ही जाना, ठीक है. लगता ही नहीं है हमने जहन्नुम में जाना. दिल पे हाथ रख के तो देखें जरा, लगता है जहन्नुम में जाना है. हर इंसान को एक एक खुश ख्याली है कि नहीं, मैंने तो जन्नत में ही जाना है. और क्यों जाना है? क्योंकि हम जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शिफात कर दी है. शिफात सबकी थोड़ी होनी है, ऐसे थोड़ी होनी है जिस तरह के हमारे अमाल है. तो क्या है कि हमने करना कुछ नहीं है और ख्वाब हमारे जन्नत के हैं. कमा हम दुनिया रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं जन्नत के, कि दुनिया कमा के हम सीधे जन्नत. दुनिया कमाएंगे तो दुनिया मिलेगी ना, आखिरत कमाएंगे तो आखिरत मिलेगी. बेहतर है कि दोनों ही कमा लें. लेकिन क्या है कि हम लोग जो है ना एक एमलेस जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका कोई पर्पसलेस लाइफ. आज का जो इंसान है उसका ये डिलेमा है कि वो ये पर्पसलेस लाइफ गुजार रहा है. क्यों? क्योंकि उसके सामने जो है बहुत सारे ट्रैक खुल गए. हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं. एक बच्चा जब FSC में जाता है इतने सारे सब्जेक्ट्स खुल जाते हैं, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है मैं कौन सा सब्जेक्ट की तरफ जाऊं, ठीक है. सोच इतनी पक्की हुई नहीं होती कि कोई सब्जेक्ट चूज कर सके. लेकिन जो न्यू वर्ल्ड का इंसान है ना, जो मॉडर्न मैन है, वो एक डिस्ट्रैक्टेड पर्सनैलिटी है. उसको खुद नहीं पता मैंने जाना कहाँ है. कितनी डिग्रीज होती हैं हमारे पास, और इतनी डिग्रीज लेने के बावजूद, MPhil, PhD, डबल मास्टर, ट्रिपल मास्टर्स करने के बावजूद भी इंसान को ये नहीं पता मैंने जाना किधर. वैसे एक बात है कि जब तक हम मास्टर्स करते हैं या हम कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारते हैं, उस वक्त तक 25 साल की जिंदगी, हमारी आधी जिंदगी अप्रोक्सीमेटली गुजर जाती है, बाकी आधी रह जाती है. वो जो 25 साल के बाद की जिंदगी के बाद हमारी जिंदगी में एक दौड़ लग जाती है ना कंपटीशन की, वो बड़ी बुरी है बेटा. और यही तो जवानी है जो ख्याल से गुजारनी है, इसी का तो हिसाब होना.
अब वो हम अपनी सारी जिंदगी जो है अपनी सारी एनर्जीज वो एक ऐसे कंपटीशन में गुजार देते हैं जो कि एक एमलेस कंपटीशन, जस्ट टू मतलब एक सीट तक पहुंचने के लिए। वो सीट मिल जाती है उसके बाद आप यू कम टू नो कि नहीं भाई इतना टाइम भी गुजर गया, हर किसी को मैंने जो है बहुत ज्यादा इग्नोर भी किया, अपनी फैमिली को इग्नोर किया, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने मियाँ को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को जो है मिलना छोड़ दिया। हम लोग एग्जाम्स की खातिर क्या क्या कुछ नहीं करते हैं ना, और माएँ भी अपने बच्चों की खातिर एग्जाम्स होते हैं उनके तो वो इधर नहीं जाना तो उधर नहीं जाना, ये वो सारा कुछ ऐसे ही होता है। तो कितनी सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, लेकिन एट द एंड वो जब इंसान वो बुढ़ापे में अक्सर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, वो एक्चुअली उनको वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी बट मैंने एमलेस जिंदगी गुजारी, जिंदगी ऐसे नहीं, ये मकसद नहीं था, कुछ और था। तो एट दैट टाइम इंसान की एनर्जीज उस वक्त तक खत्म हो चुकी होती है जब तक उसको समझ आती है, उस वक्त तक वो बूढ़ा हो चुका होता है। और इंसान बुढ़ापे में वो काम करता है जिसकी उसको आदत पड़ी होती है, अगर उसको सारी उम्र नमाजों की आदत पड़ी हुई है ना, वो बुढ़ापे में भी नमाजें पढ़ना शुरू कर देगा। अगर उसको सारी उम्र गॉसिप करने की, बुराइयां करने की आदत पड़ी हुई है, वो बुढ़ापे में भी गॉसिप और बुराइयां करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द थिंग, हम लोग हैबिट पे जीते हैं। हैबिट इज द मेन थिंग ऑफ वेटिंग फॉर गॉड, कि इंसान हैबिट पे जीता है। एक इंसान की हैबिट है कि वो पॉजिटिव सोचता है, वो पॉजिटिव ही सोचेगा। एक इंसान की हैबिट है वो नेगेटिव सोचेगा, वो नेगेटिव ही सोचेगा। तो इंसान वक्त के साथ साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ साथ, उसकी कुछ हैबिट बनती है। यहाँ पे एस्ट्रागोन और वलेडिमीर को अगर हम देखें तो उन दोनों को हैबिट है टाइम वेस्ट करने की, जैसे हम लोगों को पड़ गई है, हम मोस्टली अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और वेस्ट करने के साथ साथ फिर भी हमें होता है नहीं अभी भी कुछ हो जाएगा और हम जो है ना हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वो अचानक से जिंदगी बदलने के ख्वाब जो हम देखते हैं वो है वेटिंग फॉर गॉड, कि गॉडो इज समथिंग जो कि अनसीन है, दैट इज नॉट विजिबल इन ड्रामा, वो आएगा भी नहीं, गॉडो एंड तक नहीं आएगा। और वलेडिमीर और एस्ट्रागोन जो है वो हमेशा जो है वो ड्रामा एंड ही एक कंटिन्यूड पोजीशन में एंड हो जाता है, टू बी कंटिन्यूड, के गॉडो नहीं आया, ठीक है। और इंसान उस गॉडो का इंतजार करते करते थक जाएगा लेकिन गॉडो नहीं आएगा, लेकिन उसको फिर भी पक्का यकीन है कि एक दिन गॉडो आएगा और उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी, वो जन्नत में चला जाएगा और उसकी जो दुनिया वो भी खत्म, वो सही हो जाएगी। दूसरी चीज ये, यहाँ पे एक निहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जब लोगों के रिश्तेदार, बहन भाई सब सामने मर गए, उनकी पूरी दुनिया जो है एक लॉस्ट वर्ल्ड में तब्दील हो गई थी, तो एट दैट टाइम इंसान के अंदर एक निहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। निहिलिज्म कहते हैं नो गॉड कॉन्सेप्ट, कि देयर इज नो गॉड। इंसान ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर गॉड होता तो मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आती क्यों, जंग होता होती क्यों, दुनिया इंसान की जिंदगी में कत्लो गारत होते क्यों। इस वजह से जो है ये निहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है इंसानों के जहन में आना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जो इंसान जितना गरीब होता है ना वो उतना ही अल्लाह से दूर होता है। उसको ये लगता है कि अब अल्लाह ने उसको नहीं संभालना, उसने खुद ही अपने आप को संभालना है, तो वो अल्लाह को छोड़ के किसके पीछे भागता, वो रिस्क के पीछे भागता, ठीक है, वो और चीजों के पीछे भागना शुरू कर देता है। अजीब अजीब वो कहते हैं ना, ये जो गुर्बत है, ये जो मुफलिसी है, ये इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है, इट्स अ फैक्ट। इसलिए लोगों के पेट भरे ताकि उनका पेट भरे तो उनके जहन में ये कुफरिया जो थॉट्स हैं वो नहीं आनी चाहिए। तो दैट इज द मेन थिंग, कि जब इंसान बहुत ज्यादा उसके ऊपर मुश्किलात बढ़ जाती है ना, तो उसके अंदर ये चीज आना शुरू हो जाती है कि शायद दुनिया में खुदा है ही नहीं, और अगर है तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, और वो मेरी बात नहीं सुनता, और वो मेरी दुआएं नहीं सुनता। ऐसे ही होता है, आती है ऐसी फीलिंग। तो दैट इज द थिंग। और अगर हम दुआ मांगते भी हैं तो हम कहते हैं पता नहीं कबूल हुई भी है कि नहीं। तो दैट इज द निहिलिज्म, एक डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन में इंसान चला जाता है। फिर इसके अंदर आपको सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाई जाएगी, कि इंसान सफर तो कर रहा है लेकिन वो अपने हालात बदलने को तैयार नहीं है। वो अपनी हैबिट में जिंदगी गुजार रहा है, उसको पता है ये सफरिंग्स हैं और उसको नजर भी आ रही है, लेकिन वो अपने हालात बदलने को तैयार नहीं।
ठीक है, तो वो है ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ठीक है, जब खुद को हालत बदलने का ख्याल ना हो तो अल्लाह ताला भी फिर मदद नहीं करता। खुद जो जो इंसान जो है कुछ कर कर सकने का सोच लेता है ना, वो तो बेटा कर लेता है, सोचने के साथ अमल भी करना। सोच तो खैर सारी लेते हैं, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आगे वो लोग जाते हैं जो कि अमल करते हैं। अब वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर क्या है? उन दोनों को पता है कि हम सफर कर रहे हैं, उन दोनों को पता है कि मतलब हमारे इर्द गिर्द देयर इज सम बैरन वर्ल्ड अराउंड अस, बट दे वांट टू डू समथिंग बट दे कैन नॉट डू। ठीक है, वो चाहते हैं हम कुछ करें बट दे कुड नॉट डू, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक्शंस की कमी होती है। हमारे अंदर भी यही है, किताबें इतनी सारी चाट ली हैं और आप हमारे एक्शंस तो देखें किस तरह के, ना सब्र है, ना शुक्र है, ना हमें पता है रिलेशंस कैसे निभाने हैं, ना हमें पता है अपनी जिंदगी के हालात को कैसे बदलना है। बेटा सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब ये एक एब्सर्ड प्ले है, एब्सर्ड प्ले। अब ये रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब एब्सर्ड में देखें क्या होता है। एब्सर्ड प्ले के अंदर ये होता है कि सब कुछ कॉमिक सीन होता है, नथिंग कम्स नथिंग गोज। ठीक है, ना कुछ आया ना कुछ गया, ना पाया ना खोया, देर इज नथिंग इन दिस ड्रामा। इस वजह से इसको जो है इसको कहा जाता है कि इस ड्रामा का कोई प्लॉट नहीं। उसके बाद एक थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म है कि इंसान जो है वो एक पर्पजलेस लाइफ गुजार रहा है। टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू, मतलब आपको कुछ एम्स बनाने पड़ते। इंसान जब दुनिया में आया तो वो अपने ही इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, लेकिन अगर वो एक एमलेस जिंदगी गुजारता है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू मेक सम एम्स इन योर लाइफ। जब हम एमलेस लाइफ गुजारते हैं ना बेटा, वहां से हमें बोरिंग फील होती है, हम डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। अभी देखिएगा वो ये जो व्लादिमीर और एस्ट्रागन और बाकी कैरेक्टर्स है वो क्या करते हैं, because they are living a purposeless life, that's why they are distracted. wo jo hai ajeeb ajeeb sochon mein mubtala hai, unko pata nahi hai humne aage karna kya hai. hame dekhe na hum kya karte hain, kyunki hum ek aimless life guzar rahe hain, is wajah se hame nahi pata jana kidhar hai. kabhi hum gappon mein time guzar dete hain, kabhi aajkal wo dekhe wo logo ne kya shuru kiya hua hai ye iske upar, ye new koi aaya hai TikTok, वीडियोस बनाते हैं उसके ऊपर शेयर करते हैं। मुझे बताएं इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द पर्पस, जस्ट एंटरटेनमेंट, जस्ट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, खा लिया पी लिया और मर गई, दिस इज द लाइफ, दैट इज नॉट द लाइफ, दिस इज द एमलेस लाइफ। इसी की वजह से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसी की वजह से लोगों के अंदर जो है एक टाइम आता है आप बोर होना शुरू हो जाते हैं अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि जिंदगी में आपने कुछ अच्छा बोला नहीं, आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसका आगे कोई पर्पज हो। ये क्या बात हुई कि आपने एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, तस्वीरें खींची अपलोड कर दी, उसके बाद कमेंट पे कमेंट, केक वो बर्थडे हुई और केक की तस्वीर जो है वो फेसबुक पे अपलोड, आज मैं इस्लामाबाद बैठी हूँ, आज मैं फलानी जगह बैठी हूँ, इज दिस द लाइफ? क्या हमने जो करना वो पहले हमने फेसबुक पे स्टेटस अपलोड करना, या फिर सेल्फियां खींच के और आधी तस्वीर लड़कियों की लगी हुई होती है, क्या है ये? दिस इज द एमलेस लाइफ। तो बेटा ये लाइफ नहीं है। टू एग्जिस्ट इन दिस लाइफ, इन दिस, इस जिंदगी को बेटा जीने के लिए ना कोई पर्पस बनाना पड़ता, और एक ही पर्पस है। अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं नहीं कहती कि मेरी जैसी जिंदगी आप अपनी जिंदगी में कभी अप्लाई कीजिएगा, आपका दिल करे तो कर लीजिएगा, लेकिन बेटा एक ही पर्पस होता है जिंदगी का, ठीक है, वो ये है कि जिंदगी जो है आपने मुशक्कत तो करनी ही करनी है, चाहे आप पर्पस लेस लाइफ गुजार रहे हैं ना, तब भी आपने, आप देखें हम कितने काम करते हैं जिंदगी में, मशीनों का दौर आ गया, काम खत्म होते हैं कोई? क्योंकि कुरान में लिखा अल्लाह ने बंदे को मुशक्कत के लिए पैदा किया, हम मुशक्कत में पड़े हुए हैं। मैं सोचती थी, मेरी बेटी जब मॉन्टेसरी में पढ़ती थी तो मैं सोचती थी मैं इतनी सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी उसको स्कूल भेजती हूँ, जल्दी से आके
जो है वो इंटरनेट खोल लेती हूँ और ऑनलाइन बैठ जाती हूँ। शायद ये जब स्कूल 1 में हो जाएगी और ये सुबह 7:30 बजे स्कूल जाएगी तो शायद मेरी जिंदगी में सुकून हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसी तरह से भाग दौड़ रही हूँ, उसी तरह से काम कर रही हूँ। तो बेटा जिंदगी में मशक्कत खत्म नहीं होनी, बेहतर यही है कि आप अपनी जिंदगी का कोई एम बनाए और फिर उस पर मशक्कत करें, फिर तो जिंदगी बदलेगी। लेकिन एमलेस लाइफ है और हम मशक्कत करे जा रहे हैं, सफर करे जा रहे हैं, तो फिर जिंदगी नहीं बदलती। दैट इज द मेन थिंग जो कि आपको वेटिंग फॉर गॉटो में नजर आएगा। अगर आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो बेटा उसके अंदर आपको नहीं पता चलेगा कि ड्रामा किस सेम्ट जा रहा है। लेकिन जब आप ये जो मैंने आपको मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इनको जहन में रख के ड्रामा को पढ़ेंगे ना और उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द मॉडर्न मैन, व्हाई दिस इज द एब्सर्ड प्ले, जो कि बड़ा बड़ा ही खूबसूरती से बेकेट ने लिखा। मेरे जैसा बंदा ऐसा ड्रामा नहीं लिख सकता। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा लिखा है, एंड द थीम हिडन इट इट इज वेरी ब्यूटीफुल। द लैंग्वेज, जब इंसान जो है एमलेस लाइफ गुजारता है वो फ्रस्ट्रेट होता है आपस में, हम फिर लड़ते झगड़ते हैं, गालियों तक बात पहुंचती है, और एट द एंड क्या होता है, कितना ताल्लुक है, नथिंग। ठीक है, अब आप देखेंगे व्लादिमीर और एस्ट्रेगोन किस तरीके से एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, वो जो है एंड में जाके कितना ताल्लुक होके बैठ जाते हैं, वो एक दूसरे से नाराज होके बैठ जाते हैं। ऐसी जिंदगी गुजारते हैं ना। जब जिंदगी बेटा एमलेस होगी तो यही कुछ ही होगा, फिर हमने लड़ना झगड़ना ही है, फिर हमने गालियां ही देनी है, फिर हमने फ्रस्ट्रेटेड लाइफ ही गुजारनी है। क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा, ये नहीं पता कि मेरे अंदर ही सब कुछ खाली है तो बाहर क्या नजर आना है। वो खाली बर्तन ज्यादा खनकता है ना, तो वो व्लादिमीर और एस्ट्रेगोन जो है वो खाली बर्तन दिखाए गए हैं यहाँ पे, जो थ्रू आउट द ड्रामा खनकते रहेंगे, लेकिन वो जो बर्तन है ना, वो चमकेगा नहीं। द रीजन इज दैट हम अपनी सोच नहीं बदलते। सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। और बेटा जिंदगी अंदर होती है, एग्जिस्टेंस आपके अंदर होती है। ठीक है, तो इस वजह से ही कहती होती हूँ कि अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो इसमें आपको जो है इंसान दिखाए जाएंगे जो अपनी ही जात के गिर्द घूम रहे और वो एक एमलेस लाइफ जो है वो गुजार रहे। ठीक है, दैट इज बेसिकली द वेटिंग फॉर गॉड, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रामा रिटन बाय बेकेट। ठीक है, और ये ट्रेजी कॉमेडी भी है। ट्रेजी कॉमेडी मीन्स के एक ऐसा ड्रामा जो जिसके अंदर होती जो ट्रेजिडी है, लेकिन उसके अंदर कॉमिक सीन्स होते हैं। मोर ओवर इसके अंदर ट्रेजिडी दिखाई जाएगी एस्ट्रेगोन और व्लादिमीर की, कि वो थ्रू आउट सफर ही कर रहे हैं और एंड तक वो सफर ही करते रहते हैं। लेट्स सी, अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं थ्रू स्लाइड। यहाँ पे मार्टिन एस्लेन ने कहा था, द डिग्निटी ऑफ मैन लाइज इन हिज एबिलिटी टू फेस रियलिटी इन ऑल इट्स मीनिंगलेसनेस। वो कहता है कि एक्चुअली यहाँ पे आपको ना मीनिंगलेस लाइफ दिखाई जाएगी। वो कहता है कि ये जो डिग्निटी ऑफ मैन है वो लाई करती है उसकी एबिलिटी कि वो फेस करता है रियलिटी अब उस इन ऑल इट्स मीनिंगलेस। लाइफ जो है इसके अंदर जो है मीनिंगलेस दिखाई जाएगी, और इंसान की डिग्निटी ये है कि इंसान जो है वो लाइफ की मीनिंगलेसनेस के बावजूद जो है उसके अंदर एक डिग्निटी है कि वो फेस करता है रियलिटी को इन इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना कि हदीस में है कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा। तो बेटा जो सामने हकीकत आपके सामने है ना, उसको एक्सेप्ट कर लें। क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये इतने सारे डब्ल्यू वाले जो वाई, व्हेन, वेयर, हु, और उर्दू में काफ वाले अल्फाज, इनको अपनी जिंदगी से निकाल लें। जो रियलिटी है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें, आप खुश रहें। ठीक है, और वो कहता है कि अगर आपकी जिंदगी, आपकी डिग्निटी एक इंसान की वो लाए करती है इस तरह से कि वो रियलिटी को वैसे एक्सेप्ट करे जैसे कि वो है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्टिन एस्लेन। मार्टिन जूलियस एस्लेन वाज अ हंगेरियन बॉर्न इंग्लिश प्ले राइट, प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट। ही कॉइंड द फ्रेज थिएटर ऑफ एब्सर्ड इन हिज फेमस 1962 बुक ऑफ द सेम नेम। ही यूज्ड टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द थिएटर एज राइटर, ट्रांसलेटर, रिव्यूअर एंड एडवाइजर ऑल थ्रू हिज लाइफ।
What made Aslan to coin the phrase? A number produced in late 1950s and early 1960s that defied any traditional genres. Aslan coined the phrase. Samuel Beckett's Waiting for Godot premiered a tiny avant-garde theater in Paris in 1953. It had avant-garde कहते हैं कि एक ऐसा शाहकार जो कि एक मतलब शाहकार वही कहते हैं avant-garde ठीक है तो it had been translated into more than 20 languages within 5 years ठीक है more than इसको translate किया गया उसके बाद 20 languages में within 5 years इतना ज़्यादा ये waiting for Godot मशहूर हुआ था it was seen by more than a million spectators during that period as it was yet to be given a name, came forward and coined the phrase Theatre of Absurd in his masterpiece of same name published in 1962. Absurd, pata na kise ko kise kehte hain Urdu mein. Achha ji, uske baad jo hai, yahan pe dekhiyega, what used the term absurd from the first time? Sorry, who used the term absurd first time? The term absurd was originally used by Albert Camus in his 1942 essay Myth of Sisyphus. ठीक है उसने ये जो myth of Sisyphus थी ऐसे उसमें उससे उसने ये जो है Albert Camus ने अपने 1942 में अपने essay Myth of Sisyphus में ये word ये जो term है absurd use किया था wherein he described the human condition as meaningless and absurd. जहां पे उसने इंसान की जो कंडीशन थी उसको मीनिंगलेस और एब्सर्ड दिखाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड देख लेते हैं सबसे पहले होपलेसनेस इन कैरेक्टर्स दिखाई जाती है एब्सर्ड और अनएक्सप्लेन्ड एंडिंग दिखाई जाती है कॉमिक सीन्स होते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेशन ठीक है बार बार रिपीट किए जाते हैं वर्ड्स को एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म और एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इसके अंदर दिखाई जाती है Waiting for Godot as a theater of absurd by Samuel Beckett. Samuel Beckett ko dekh lete hain. Beckett came from well-to-do family and attended Trinity College, Dublin, where he studied French and Italian, graduating in 1927. His first published literary work was a short poem with footnote called Horoscope in 1930. The dramatic work that became best known was an attendant Godot 1949, Waiting for Godot. Uska jo dramatic work tha, jo ke best known raha, was an attendant Godot. Theek hai? Wo ek attendant Godot tha, Waiting for Godot, which was the first performed in 1953 and appeared in English 1954. Iske andar aapko lack of plot dikhaya jayega. Plot kise kehte hain? Sequence of events ko. Aapko yahan pe koi sequence of events, koi story, koi beginning, koi end, kuch bhi nazar nahi aayega. Aur plot kise kehte hain? It has a beginning, a middle, and an end. Theek hai? Uska ek beginning hota hai, middle hota hai. एक एंड होता है और तमाम जो सीक्वेंस होते हैं वो एज अ होल जो है एक कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाए जाते हैं यहाँ पे आपको नो बिगिनिंग क्लाइमेक्स और एंडिंग कुछ भी नजर नहीं आएगा सेम प्लेस एंड टाइम एक ही सेम टाइम होगा अनएक्सप्लेन स्टोरी होगी नथिंगनेस एंड एम्प्टीनेस आपको दिखाई देगी फिर इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेशन होगी एब्सर्ड प्ले हैज रिपीटेटिव साइक्लिकल स्ट्रक्चर ठीक है एब्सर्ड प्ले के जो रिपीटेटिव साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं सिमिलर सेटिंग्स डेब्रिस ठीक है सिमिलर सेटिंग होगी जिसको डेब्रिस कहा जाता है टाइमिंग डे टू मून राइज ठीक है और सुबह से लेके शाम तक का वक्त है एक्शन हैट स्वैपिंग सीन और एक्शन क्या है इसके अंदर वो हैट स्वैपिंग सीन यानी कि हैट ही सही करता रह जाएगा हम लोग भी बस इसी तरह ही करते रह जाते हैं सिर्फ बाल संवारते रह जाते हैं ठीक है और क्या करते रहते हैं कपड़े चेंज करते रह जाते हैं और जूते चेंज करते रह जाते हैं यहाँ पे भी यही चीजें दिखाएंगी वो हैट ही चेंज करते रह जाएंगे जूते उतारते रह जाएंगे कभी जूते पहनेंगे उतारेंगे पहनेंगे उतारेंगे हम भी जिंदगी ऐसे ही गुजार रिपीटेशन ऑफ एक्शंस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स ठीक है इसी तरह की जिंदगी ये जो मॉडर्न मैन है जिसका पढ़ा लिखा मैन कहते हैं वो ऐसी जिंदगी गुजार
ठीक है, सिमिलर एक्स स्ट्रक्चर और उसके बाद सेम एक्स एंडिंग, ऐसे ही एक्ट एंड हो जाता है, सेम डायलॉग ऐसे ही। हमें देखे ना सारी उम्र गिले शिकवे करते 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 गुजार देते होता है। तो सेम एक्शंस, सेम लाइफ, सेम थॉट। वो कहते हैं ना हदीस में है ना कि वो शख्स हलाक हो गया कि जिसका आज कल से, गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। बेटा आज अगर आपकी सोच कल से बेहतर नहीं हुई ना, आप हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अपनी सोच बदल लें, आप बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे वो दिखाएंगे, आप देखिएगा व्लादिमीर और एस्ट्रेगन क्या करते, एंड तक वो हैट ही चेंज करते रह जाएंगे, जूते पहनेंगे और उतारते रह जाएंगे। स्लेव आएगा, वो स्लेवरी में ही जिंदगी गुजार देगा, और मास्टर बनता हो के भी मास्टर ही रह जाएगा। तो हम लोग अपने हालात, अपनी सोच बदलने को तैयार है ही नहीं, तो ये चीज यहाँ पे दिखाई जाएगी। इस वजह से हम वही एक्शन रिपीट करते रहते हैं। क्या करते हैं, सेल्फी घेंची फिर लगा दी, फिर सेल्फी घेंची फिर लगा दी, फिर सेल्फी घेंची फिर लगा दी। इज दिस द लाइफ? वीडियो बनाई फिर अपलोड कर दी, इज दिस द लाइफ? ऐसी जिंदगी गुजर जानी, एंड आ जाना है। यहाँ पे देखे उसके बाद दिखाया एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्ड थिएटर क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। एब्सर्ड थिएटर क्वेश्चन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ मैन को, कि इंसान एग्जिस्ट कर ही क्यों रहा है जब जिंदगी ही मीनिंगलेस है, जिंदगी एमलेस है। व्हेन देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड, देन व्हाई मैन इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड? क्यों वो जिंदगी गुजार रहा है? क्या खाने पीने जीने के लिए? आप देखिए स्कूल्स में हमारे बच्चों के क्या करती हैं, हर वर्क फंक्शंस। वो जो हमारा 14 अगस्त का फंक्शन होता है, आपने कभी गौर किया उस पर क्या हो रहा होता है उस पर? वो मेरे ख्याल है वो नेशनलिज्म तो शायद कम दिखाई जा रही होती है हमें, डांसेस ज्यादा दिखाया जा रहा होता है, फन ज्यादा दिखाया जा रहा होता है। कभी नोट किया बच्चियों को स्टेज पे खड़ा करके और डांस करवाया जा रहा होता है मिली नगों के? तो बेटा ये किस तरह की जिंदगी है? आप खुद सोचें कि हम कैसी जिंदगी गुजारें। तो ये होती है आजादी। एब्सर्ड थिएटर क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, इंसान क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैं क्यों जी रही हूँ? मेरा जिंदगी में आने का मकसद क्या है? ये सोचना है हमने। यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज नो मीनिंग एंड पर्पस। यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि इंसान की एग्जिस्टेंस का ना तो कोई मीनिंग है ना पर्पस है। Modern man एक meaningless or purposeless life गुजार रहा है। The mystery of human existence lies not in just staying alive। इंसान की existence सिर्फ ये नहीं है mystery of existence कि वो सिर्फ जिंदा जी रहा है, but finding something to live for। इसको existentialism कहते हैं। हमें कुछ तो purpose ढूंढना है, मैंने जिंदगी क्यों जीनी है, किस लिए जीनी है, क्या करना है, मैं दुनिया में क्यों आ गई हूँ, मैंने अल्लाह के पास वापस जाना है, मैंने जवाब देना है, कोई तो पर्पस होना चाहिए ना। वो इंसान जिससे अपनी जिंदगी खिदमत खल के लिए दे दी हो ना, उसका जिगरा बड़ा हो जाता है, उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी हो ना कि अल्लाह तेरे लिए गुजारनी है, बस तेरी मखलूक के लिए गुजारनी है। वो अब्दुल सत्तार ईदी को देखे ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्पस ऑफ हिज लाइफ। और हमें देखें, हम अब्दुल सत्तार ईदी की तारीफ तो करते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी बनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो बेटा अपनी अपनी जिंदगी का कोई पर्पस ढूंढे, क्योंकि लाइफ अगर पर्पसलेस एमलेस होगी ना, तो आप वो एक्चुअली हम जो साथ वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं ना, इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है, वो उसकी वजह से नहीं होती, वो इसलिए होती है मेरी लाइफ पर्पसलेस। जब मेरी लाइफ का कोई एम और एम्बिशन होगा ना, मुझे इर्द गिर्द के लोगों में खामियां नजर आना कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर एक एम क्रिएट हो जाएगा ना, एक पर्पस क्रिएट हो जाएगा। नहीं यार, मुझे ये पर्पस है, मैंने ये काम अपना टास्क पूरा करना है, इस वजह से। इसलिए जो लोग बिजी रहते हैं ना अपने कामों में, वो पॉजिटिव भी रहते हैं। वो कहते हैं ना कि फरागत जो है ये बड़ी बुरी चीज है, और खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, तो बेटा दिमाग खाली होगा ना तो फिर शैतान का घर बन जाएगा, तो शैतान का घर नहीं बनाना इसको। ठीक है, उसके बाद जो है इसी को बेटा समथिंग लिव फॉर।
कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में यही तो थीम है, उसके अंदर क्या डेफिनेशन है, उसमें ये कि इंसान एक पर्पसलेस लाइफ गुजार रहा है और जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ सांसें लेना काफी नहीं है, उसके लिए जो है कोई पर्पस, कोई एम, कुछ तो करके जाना भाई दुनिया से। ठीक है, ये देखें, ये व्लादिमीर और एस्ट्रेगोन खड़े हैं, ये दरख्त आपको फर्स्ट एक्ट के अंदर ना इसके अंदर कुछ पत्ते नजर आएंगे, और आखिरी एक्ट में भी व्लादिमीर और एस्ट्रेगोन इसी दरख्त के नीचे खड़े हैं, लेकिन ये दरख्त बंजर हो गया, यानी कि खाली हो गया, उसके ऊपर पत्ते नहीं नजर आ रहे, या शायद दूसरे एक्ट में जाके पत्ते नजर आना शुरू हो जाते। ठीक है बेटा, बस ये चेंज अगर आना ना जिंदगी में, तो फिर उस लाइफ का कोई फायदा नहीं है। देन फिर ये जो स्टेज बनाया ना, देखें इसके नीचे सारी बैरन वर्ल्ड होगी, पीछे सब कुछ डार्क है, ये इंसान का अंदर जो है बाहर निकाल के दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। ठीक है, इस ड्रामा के अंदर आपको ये चीज दिखाई गई, और जस्ट दैट इज ओनली वन मून लाइट, दिस इज द थिंग, कि ये शायद गुजर जाएगा, फिर एक और शायद हम वहीं पे खड़े हैं और हम खड़े खड़े ये सोच रहे हैं कि गॉटो आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं। मैम आसमा से ट्यूशन पढ़ लेने से आपने एमए इंग्लिश लिटरेचर में पास नहीं हो जाना, आपने खुद भी एक्शन करना है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद है डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ड्रामा, ये ट्रेडिशनल ड्रामा से डिफरेंट है, नो यूज ऑफ इंटरेस्टिंग प्लॉट, कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट नहीं है, नो सेंस ऑफ स्टोरी, कोई सेंस ऑफ स्टोरी नहीं है, लेकिन मुझे इसके अंदर बड़ी सेंस ऑफ स्टोरी नजर आई है। ठीक है, और मुझे इसका प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो चीजें नजर आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नो यूज ऑफ ड्रामा, फैंटेसी एंड पोएटिक लैंग्वेज, ना तो इसके अंदर कोई यूज ऑफ ड्रामा है, ना कोई फैंटेसी है, ना कोई पोएटिक लैंग्वेज है, एब्सर्ड एंडिंग है, एब्सर्ड प्ले हैज अनएक्सप्लेन्ड होप्स, रिलीजियंस, नथिंगनेस। ठीक है, एब्सर्ड प्ले की अनएक्सप्लेन्ड होप्स होती हैं, अनएक्सप्लेन्ड जो है वो उसकी लैंग्वेज या होप्स या जो भी समझ लें, हमारी होप्स भी तो अनएक्सप्लेन्ड है, समझ नहीं आ रही कि इतनी उम्मीदें किस लिए रखी हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमने किस लिए रखी हैं, और रिलीजियंस, रिलीजन बस इस तरह है कि जी रिचुअल के तौर पे हमने रिलीजन अप्लाई किया हुआ अपनी जिंदगियों में, कि जी वो किसी नात खानी पे जाना तो सर पे दुपट्टा उतार देना, और किसी शादी पे जाना तो बेहया हो जाना। ठीक है, ये हमारी जिंदगी में रिलीजन का नाम ऐसे ही है कि नहीं है, झोल चढ़ाया हुआ है रिलीजन का, अंदर से खाली है, नथिंगनेस, फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, हर चीज भूल जाती है, फॉरगेटफुलनेस, जब इतने सारी चीजें दिमाग में डाल देंगे तो बेटा चीजें तो भूलेंगी ना, इंसान की आपको पता है मेमोरी लॉस क्यों होती है, जब हम इतनी सारी चीजें दिमाग पे सवार कर लेते हैं, और मेमोरी लॉस और ये जो अब डिप्रेशन से तो बहुत आगे, अब तो लोगों के वो जो है मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं, लोगों का वो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, एफएससी में किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो दरिया कूद जाता है किसी समंदर में खुदकुशी करने के लिए, किसी चाचे ने किसी भतीजे को अगर डांट दिया है तो वो अना का मसला बना देता है। मैंने एक केस ऐसा देखा था जिसमें एक चाचा ने अपने भतीजे को जो है वो मारा था, अभी भी वो है, मैंने लाइव देखा, और उस लड़के ने जाके पता नहीं कहीं छलांग लगा दी थी या क्या, दरिया में छलांग लगा दी, उसके बाद से वो आज तक वो लड़का पागल है, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, ये तो बेटा हमारी जिंदगी है, आप सोचें कि मतलब उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया फिर उसके बाद। इसी तरीके से एक मैंने स्टूडेंट को देखा था, वो उसके पता नहीं मेडिकल में मार्क्स नहीं आए थे, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। फिर एक हमारे अंदर एक और चीज आज की सोसाइटी के अंदर हो गई है, हमारे अंदर ना फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत कम उम्र में ये स्टार्ट हो जाती है, भूल जाती है ना बहुत सारी बातें। द रीजन इज दैट हम एक फोकस्ड लाइफ नहीं बना। हजरत इब्राहिम को देखें, अल्लाह ताला ने जहां हजरत इब्राहिम का नाम आता है ना, वहां पे अल्लाह ताला कहते हैं हजरत इब्राहिम हनीफन थे, फोकस थे, उनकी जात का महवर ही सिर्फ अल्लाह था, समीना व अताना थे, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। हमारे सामने कितनी दफा अजान की आवाज आती है, हम सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो सो जाते, फलाना काम, क्योंकि हम फोकस नहीं है ना, लाइफ का कोई एम नहीं है, तो इस वजह से डिस्ट्रैक्टेड माइंडेड हो जाते हैं। जब डिस्ट्रैक्टेड माइंडेड होते हैं तो
माइंड पे जोर पड़ता है, जोर पड़ता है, तो आपकी वो जो नर्व्स कहती है वो कहती है भाई मैं इतनी मेमोरी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस वजह से हमारे जैसे मोबाइल की मेमोरी हैंग हो जाती है, आजकल मेरे लैपटॉप ने बड़ा तंग करना शुरू किया हुआ है क्योंकि इसकी भी मेमोरी बहुत हो गई है। वो कह रहा है जी इतने नोट्स आपने सेव कर दिए हैं उसको डिलीट करो नहीं तो मैं काम नहीं करता। तो दैट इज द सेम थिंग विद द ब्रेन। उसके बाद पर्पसलेसनेस ऑफ मैन एंडिंग इज सॉरी मैन इज मैन मैन एंडिंग इज नॉट कंक्लूजन। और ये पर्पसलेसनेस ऑफ मैन है ठीक है जो इसके अंदर दिखाई जाएगी। और एंडिंग इज नॉट कंक्लूजन, और एंडिंग जो है ना आप विद आपको इज नॉट नॉट कंक्लूजन तो ना देखें एंडिंग विदाउट कंक्लूजन। विदाउट कंक्लूजन हम अपनी जिंदगी गुजार के यहाँ से चले जाते हैं एंड देर इज नो एंडिंग ऑफ आवर, मतलब जिसे कहना चाहिए कि हमारे कोई एंड नहीं है हमारी लाइफ का, कोई सिरा नहीं, कोई स्टार्ट नहीं, कोई एंड नहीं। दैट इज द पर्पसलेस लाइफ जो कि हम इस जिंदगी में गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों का आज का वेटिंग फॉर गॉडो है। अच्छा, हम जो है वेटिंग फॉर गॉडो का पूरा टेक्स्ट वो हमने कंप्लीट करना है। दैट इज द अब हमारे पास सिर्फ टाइम कितना रह गया। मैंने ड्रामा का सोचा हुआ था कि जो फरवरी का एंड होगा उसमें हमारा ड्रामा एंड हो जाएगा, जो आपका स्केड्यूल बना हुआ है। ये वीक बेटा आपका ड्रामा का टेक्स्ट का है, नेक्स्ट वीक आपके ड्रामा के क्वेश्चन आंसर्स के। सो इस वीक में आप अपनी किताबें उठा लें और टेक्स्ट आपने सारा कंप्लीट करना है। समरी और जो आपका है आपके कैरेक्टर्स हैं वो मैं आपको अभी करवा दें।